इस सप्ताह देश के अधिकांश राज्यों में बैंक 3 दिन तक बंद रहेंगे। बैंकों में छुट्टी ईद ए मिलाद, गुरु नानक जयंती और चौथे शनिवार के कारण है। 3 दिन तक पड़ने वाली इन छुट्टियों से आपको बैंकिंग लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपने जरूरत का पैसा एटीएम से अभी निकाल लें, क्योंकि बैंक बंद रहने की स्थिति में एटीएम में भी पैसे खत्म हो सकता है। 21 नवंबर को ईद ए मिलाद की सरकारी छुट्टी है, वही 23 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। इस दिन भी सरकारी छुट्टी के चलते कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 24 नवंबर का चौथा शनिवार है और चौथे शनिवार को अधिकांश बैंकों को छुट्टी होती है। इन शहरों में 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र, नई दिल्ली, हैदराबाद, रायपुर, रांची, श्रीनगर, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर और लखनऊ में बैंक 3 दिन बंद रहेंगे, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इन शहरों में 2 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई जैसे शहरों में केवल बुधवार और शनिवार को बैंक को बंद रहेंगी। इन शहरों में गुरु नानक जयंती की छुट्टी नहीं है, इसलिए 23 नवंबर को यहाँ बैंक खुले रहेंगे। इन शहरों में केवल 1 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में कई शहरों में ऐसे भी है जहाँ केवल 1 दिन की छुट्टी होंगी। अगरतला, भुवनेश्वर, गैंगटॉक, इम्फाल, गोवा, पटना जैसे शहरों में बैंक केवल 1 दिन चौथे शनिवार को बंद रहेगा। PM News 24 की रिपोर्ट।